हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व मां शक्ति की पूजा उपासना के लिए विशेष माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि। सभी नवरात्रि में शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्र के दिनों में देवी दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक में आती हैं और अपने भक्तों के घरों में 9 दिनों के लिए विराजमान होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। माँ दुर्गा के भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हुए माँ शक्ति की साधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखती है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, तिथि और इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल के शारदीय नवरात्र काफी खास है, क्योंकि इस बार नवरात्र सोमवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। ये दिन काफी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जब नवरात्रि रविवार या सोमवार के दिन शुरू होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी पर सवार होने से सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी, विश्व भर में शांति के प्रयास सफल होंगे। देवी भागवत पुराण में इस प्रकार लिखा गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्र आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती है, जिससे खूब अच्छी वर्षा भी साल भर होती है। इस बार शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेंगे और 26 तारीख को घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से 10:19 तक रहेगा।